डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या आपको पता है फॉर्मूले? तीन तीन टाइप के जो फॉर्मूले यूज होने हैं, क्या आपको तीनों टाइप के फॉर्मूले पता हैं? यस और नो, यस और नो में बता दीजिए, क्या आप सभी को फॉर्मूले सारे पता हैं? जल्दी बता दो, एकदम ओके, बहुत बढ़िया, सबको पता है जैसा देख पा रहा हूँ, यस 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 ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको फॉर्मूले पता हैं, ठीक है। सो एक हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक होता है सेक्शन फॉर्मूला, एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत बेसिक से इसमें फॉर्मूले हैं। मैं बस फटाफट एक बार लिख देता हूँ जिससे कि जिनको नहीं पता है तो एटलीस्ट बच्चों को फॉर्मूले तो देखो पता होने चाहिए, बिना उसके तो क्या ही होगा। तो देखो, एक हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हमारा क्या है, एक हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं और हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जैसे कि एक पॉइंट है मेरा एक्स वन कॉमा वाई वन और एक पॉइंट है अगर एक्स टू कॉमा वाई टू, तो एक पॉइंट अगर मेरा ए है और ये पॉइंट अगर मेरा बी है, तो ए बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा एक आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, एक हमारा क्या आता है सेक्शन फॉर्मूला आता है भाई, सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला देख लो जरा फटाफट। तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है आपका कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट हैं, जैसे एक पॉइंट है मेरा एक्स वन वाई वन और एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू, और कोई P पॉइंट जो है वो M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारे सेक्शन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, नेक्स्ट हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि लास्ट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं एक्स वन कॉमा वाई वन और ये एक्स टू कॉमा वाई टू और ये बीच में कहीं एम मिड पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये बताओ, इस तीनों के अलावा कभी कभार एक और फॉर्मूला जिसपे क्वेश्चन बन जाता है, बताओ कौन सा है, देखते हैं किसने ध्यान से पढ़ाई की थी, बताओ जरा जल्दी बताओ। और यहाँ पे साक्षी सिंह क्या लिखते, नेगी क्या लिखते हैं यहाँ पे, अच्छा फॉर्मूला लिख रहे हैं, बताओ जरा। कभी कभी एक और फॉर्मूला है जो कभी कभार यूज हो सकता है, कौन सा है वो फॉर्मूला, कौन सा है, हाँ वेरी गुड, सेंट्रोइड पे, ठीक है, सेंट्रोइड पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सेंट्रोइड का एक और देख लो, बस सेंट्रोइड, जैसे अगर हमारा एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, और इसका सेंट्रोइड मान लो जी है और ए पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है, बी पॉइंट हमारा अगर एक्स टू कॉमा वाई टू है और सी पॉइंट हमारा एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री है, तो सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड का हमारा क्या फॉर्मूला है, सेंट्रोइड को अगर मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो जी होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस का एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस का वाई थ्री अपॉन थ्री, ये हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया। अच्छा सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड होता क्या है जरा कमेंट सेक्शन बताओ, सेंट्रोइड आखिरकार ये होता क्या है भाई, क्या होता है सेंट्रोइड बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, कि आखिरकार ये सेंट्रोइड क्या होता है, जानना चाहते हैं सेंट्रोइड क्या होता है आपका सेंट्रोइड, अच्छा सेंटर ऑफ सर्कल, वाह सेंटर ऑफ सर्कल और ट्रायंगल बोल रहे हैं बच्चे, सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, अरे भैया जी ऐसे करोगे तुम लोग हैं, अरे एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोल रहे हैं, अरे भैया सेंट्रोइड का मतलब है अगर इस वर्टेक्स से एक मीडियन बना दिया जाए, मीडियन, मीडियन जानते हो क्या होता है, इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो इसको मीडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीडियन, क्या बोलते हैं
मीडियन, ठीक है। तो ऐसी मैं इस सी पॉइंट से यहां ज्वाइन करूं और बी पॉइंट से यहां ज्वाइन करूं, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियंस का, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अब आया समझ में सेंट्रोइड क्या है? अब समझ में आया सेंट्रोइड क्या है? सेंट्रोइड है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। क्या है? लिख लो डेफिनेशन, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। समझ में आया क्या है सेंट्रोइड? किस किस बच्चे को समझ में आ गया सेंट्रोइड क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो बस भैया चार फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और बस सेंट्रोइड, बस इन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चलो एकदम आ गया, चलो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस दिस। एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ए पॉइंट है 5, -6, बी पॉइंट है -1, -4 और बोला है डिवाइड द रेशियो इन विच, यानी इस लाइन सेगमेंट में एक कोई पॉइंट है जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, एक रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो हम एक पी पॉइंट मान लेते हैं जो कि इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। याद रखना जब भी कोई रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए, रेशियो वाले क्वेश्चन में आप के रेशियो 1 ले लेंगे। क्या लेंगे? याद रखना अगर आपका रेशियो वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत ही रेशियो के रेशियो 1 लेके सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। तो मैं अगर पी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पी कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एक्स टू। तो k का मल्टीप्लाई अगर -1 में करेंगे तो क्या ये -k हो गया? 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या प्लस का 5 आ जाएगा? अपॉन k प्लस 1 कॉमा एम वाई टू यानी कि माइनस का 4k प्लस एन वाई 1 यानी कि माइनस का 6 अपॉन यहां पे k प्लस 1 आ जाएगा क्या? आई होप आपको इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर चल रहा होगा यहां पे। अच्छा जी, इसके बाद की कहानी की बात करें तो क्या बोला गया है कि जो पॉइंट है ना, जो ये पी पॉइंट है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड, कौन डिवाइड कर रहा है इसको? देखो पेपर में दो ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी ये बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, कभी ये बोला जाएगा वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल तुम्हें एक लाइन चिपकानी है। क्या लाइन चिपकानी है? एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है बेटा क्या होता है? जीरो होता है। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। ध्यान रखो उल्टा जीरो होता है, ध्यान रखो उल्टा जीरो होता है। इसका मतलब है ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये जीरो के बराबर है, ये तुम्हारा जीरो के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा जीरो, तो क्या के की वैल्यू यहां से 5 आ गई, यानी कि हमारा रेशियो जो है, क्या रेशियो जो है क्या वो 5:1 हो गया? यस और नो? क्योंकि हमने जो रेशियो लिया था वो k:1 लिया था, तो क्या रेशियो हमारा 5:1 आ जाएगा? रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 5:1 आ गया। अच्छा जी, अब क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि आपसे ये पी पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो भैया पी पॉइंट क्या आएगा हमारा? हमारा पी पॉइंट आ जाएगा, देखो k की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो -5 + 5 अपॉन 5 + 1 कॉमा यहां पे भी रख दो 5, -4 × 5 ये तो -6 हो जाएगा अपॉन 5 + 1 तो p आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा कट के, ये आएगा 26 अपॉन नहीं 20 अच्छे हाँ 26 अपॉन 6, क्या ये 13/3 आ गया? क्या ये माइनस का 13/3 आ जाएगा? चेक करें, क्या ये माइनस का 13/3 हो गया? यहां पे